स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के ताजा मौसम समाचार में। मौसम को लेकर अभी अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के इन 23 से ज्यादा जिलों में अब फिर भारी बारिश का अलर्ट। कल से शीतलहर और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। तो चलिए जानते हैं कि किन किन जिलों में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम विभाग की बारिश और शीतलहर को लेकर चेतावनी। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को एंड तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि यूपी में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मौसम तेजी से बदल रहा है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ में घना कोहरा रहा, वहीं कानपुर इलाहाबाद में भी कोहरे की चादर छाई रही। मौसम विभाग ने प्रदेश के 23 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जिनमें अब फिर कल से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में ठंड बढ़ सकती है। वहीं 17 जिलों में आज कोहरे और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा शीतलहर चलने को लेकर भी मौसम विभाग ने अनुमान जारी कर दिया है। आपको बता दें पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है जिसके चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। वहीं आपको बता दें उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में शीतलहर देखने को मिल रही है। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाने लगा है। दिल्ली में पारा गिरने से ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। रात में शीतलहर भी चलने लगी है। कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी काफी कम होने लगी है। दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में ठंड से कुछ राहत मिल सकती है लेकिन प्रदूषण से अभी राहत नहीं मिलेगी। यूपी में कई दिनों से ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में तो इजाफा होगा लेकिन सुबह और रात में कई इलाकों में शीतलहर चलने से ठंड बढ़ सकती है। वहीं अब बर्फबारी के साथ ही बारिश को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने, कुछ इलाकों में हल्की कई मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की उम्मीद है। मौसम बदलने से तापमान में मामूली इजाफा हुआ है लेकिन वर्षा बर्फबारी के बाद पहाड़ों से मैदानों तक सर्दी का सितम बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान मेरठ में सबसे ज्यादा ठंडी रही है। दिन के समय तापमान में करीब 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राजधानी लखनऊ में आज रात के वक्त न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक जाने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो दिन के समय आसमान में बादल छाए रहेंगे। यूपी के पश्चिमी इलाकों में कई स्थानों पर दिन के समय बादल छाए रहने के साथ ही कई हल्की कई मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने ये साफ कर दिया है कि यूपी में इस पूरे सप्ताह बारिश ज्यादा नहीं होगी लेकिन आसमान में लगातार बदली बारिश का जारी रहेगा। वीडियो के आखिर में चली जानते कि उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों का कैसा रहेगा तापमान। राजधानी लखनऊ का न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किए जाने की संभावना है। मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 8 डिग्री सेल्सियस, बरेली में 7 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज में 9 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी में 4 डिग्री, गाजीपुर में 5 डिग्री, सुल्तानपुर में 4 डिग्री, बलिया में 5 डिग्री, बहराइच में 8 डिग्री, औरई में 10 डिग्री, गोरखपुर में 8 डिग्री, कानपुर शहर में 4 डिग्री, शाजापुर में 9 डिग्री, फुर्सतगंज में 5 डिग्री और नजीबाबाद में 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। इस बीच मौसम को लेकर यह भी खबर आ रही कि बर्फीली हवाएं चलने से उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों में गलन बढ़ सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।